बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक, वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉकलेट केक बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो मेरे चैनल पर रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और उसके साथ ही जो घंटी का निशान है उस पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ओरियो बिस्किट्स ले लिए हैं। इसमें हमें 28 बिस्किट चाहिए होंगे। इसके अलावा 1 कप दूध चाहिए होगा। मैंने इनकी क्रीम अलग नहीं की है और इनको ऐसे ही ब्लेंडर के जग में डाल दिया है। इसमें मैंने 1 कप दूध ऐड किया है और ब्लेंडर को चला दिया है 1 से 2 मिनट के लिए फुल स्पीड पर। बिस्किट जो हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। तो इसमें हम 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये हो गया तीसरा इंग्रेडिएंट। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करें और उसके बाद इसको किसी भी स्टेनलेस स्टील के पैन में या केक पैन होता है वो अगर आपके पास है उसको अच्छे से ग्रीस कर लें। नीचे से बटर पेपर है तो बिछा लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा मैदा छिड़क दें और उसमें ये मिक्सचर डाल के इसको हम 35 से 40 मिनट्स तक बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आप देगची में इसको बेक कर रहे हैं तो पहले से तेज़ आंच पर देगची को आप गरम कर लीजिए। उसके अंदर जाली स्टैंड रख के उसमें केक कटिंग रखिए और इसको 35 से 40 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर बेक करेंगे। 40 मिनट्स बाद हमने देखा है तो ये हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। केक हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। वैसे तो ये ऐसे भी बहुत मज़े का बना है। अगर आप ऐसे ही सर्व करना चाहते हैं ऐसे कर लीजिए, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें 2 खाने के चम्मच घी ऐड किया है। इसको हल्की आँच पर बना रही हूँ। थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच मैदा ऐड कर देंगे। मैदा डालने के बाद इसको विस्क के साथ या चम्मच के साथ भून लीजिए और आधा कप दूध डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करते जाएंगे ताकि इसकी लम्स ना बने, और विस्क के साथ इसको फेंटते जाएंगे दरमियानी आंच पर ही। बाद इसमें हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे, हसबे जायका ऐड कर लीजिए। मैंने 2 खाने के चम्मच ऐड किए। कोको पाउडर डालेंगे 1 खाने का चम्मच। आप अपने हसबे जायका डाल लीजिए, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से इसको फेंटेंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको दरमियानी से हल्की आंच पर इसी तरह से पकाते रहेंगे जब तक ये फ्रॉस्टिंग गाढ़ी ना हो जाए। मैंने 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर उसमें मज़ीद ऐड किया है और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सिर्फ हमें इसको गाढ़ा करना है और उसके बाद इसको आप चूल्हे से हटा लें और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। तो जो हमने केक बेक किया हुआ था वो भी ठंडा हो गया, तो उस केक को भी हमने निकाल लिया है पैन में से। फ्रॉस्टिंग अब ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। केक के ऊपर इस फ्रॉस्टिंग को डाल देंगे और उसको लेवल कर लेंगे। और उसके ऊपर मेरे पास थोड़ी सी डेरी मिल्क की चॉकलेट थी जिसको मैंने से बारीक काट कर और इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। ये सब आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ये चॉकलेट फ्रॉस्टिंग नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली ये केक वैसे ही इंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी बहुत परफेक्ट बनता है, बहुत मॉइस्ट बनता है। इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट चॉकलेट केक तैयार हो जाएगा। तो इस लॉकडाउन में ये केक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।